आपने इनको बता दिया जैसे बच्चों को घर से निकलते वक्त बताते हैं बेटा जाना है तो बदतमीजी नहीं करनी है, ये सुन रहे हो आप? उंगली पकड़ के चलना है साथ और कोई शरारत नहीं करनी है, सुन रहे हो आप? आपके लिए मोहम्मद साहब को साथ लेके जा रहे हो और इज्जत की बातें कर रहे हैं। ये चौकीदारों को जो है ना मैंने बोला बीच में ना बोला करो, ये नहीं ना शेरा 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 चाय लेके शेरा ये शेरा, अरे इसको हाथ लगाओ यार, इसका मुंह में देखो किस तरह का, और ये चक्कर ना मार दे, नहीं शरीफ है देखो, इसके नाक में भी रस्सी की कैटेगरी आती है, किससे मिल रहा है बताओ 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 बताओ, ये लोग कहीं वाकई तो नहीं समझ रहे हम लेने आए हैं यार, देखो यार समझने में हम कुछ ही किसी को हो सकते, बाकी देख लेते हैं सौदा खर्चा, शेरा लेके घूम रहे हैं बिकॉज तो पता हालात अच्छे नहीं है यहाँ के, ये इसको देखो यूनिफॉर्म देखो पहले कपड़ों में कौन सी गन अच्छा, यहाँ जरूरत नहीं है सिक्योरिटी सेफ्टी है, अब ये बातें कर रहे हैं हलिया हुलिया देखो हालत देखो उनकी, चप्पल में घूम रहे हैं जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा देखने के लिए, तो हम इस वक्त डॉल्फिन मवेशियों की डॉल्फिन मॉल मवेशी के डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाई? हम जो है आखिर काफ़ी दिनों बाद वापस आ गए हैं और आज का वीलॉग जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो है आज हमारे कोई जिगरी दोस्त हमारे साथ हैं और मौसम के एतबार से हमारा प्लान बना है मंडी का, तो हमारे साथ हैं अम्माद भाई। अम्माद भाई कैसे हैं आप? क्या हाल है अम्माद भाई? आप तो लाहौर छोड़ के ऐसे भागे, मतलब आप नहीं है मुझे, लास्ट में मिल गया आप गुजरात में मिले थे, गुजरात में हमारा लास्ट स्टे था, तो ये कि आज अम्माद भाई हमें मिल गए, अली भाई हमारे साथ है, ये गायों का बकरों का बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह इनका अली भाई का, और ये हमारे आगे साथ भाई ये सिक्योरिटी वाला है, तो ये कि अभी हमने जो है खाना वाना खाया, ये पाकिस्तान होटल है इसकी बड़ी हाइप क्रिएट है, मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठ गए, बाकी ये कि अभी हम जो है जा रहे हैं जमील मीमन और वहाँ पे जो है हम लोग विजिट करेंगे, देखेंगे कि क्या सौदा बन गया, तो अभी मैं बस निकालेंगे फिर इंशाल्लाह, सौदा तो मुश्किल ही लगता है क्योंकि वहाँ के जो रेट्स है ना माशाल्लाह वो 5 लाख सारे जो एक्सपर्ट लेके जा रहे हैं, मतलब वो किस काम आएंगे, मतलब आपको पता है कि मतलब 50 लाख का बोलेगा तो हम बोलेंगे 2 लाख ले लो, ऐसे ऐसे सौदा करेंगे, ऐसा कर दें कि इज्जत के वापस भी आ जाए यार, देखो भाई हम अपना रेट लगाएंगे, साथ लेके जा रहे हैं और इज्जत की बातें कर रहे हैं, ये चौकीदारों को जो है ना मैंने बोला बीच में ना बोला करो, ये नहीं ना शेरा 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 चाय लेके शेरा ये शेरा रखा काले काले कपड़े काले कपड़ों में, इनका इनका औजार का है इनका वो रखा हुआ है, तो जो है अभी हम लोग निकल चुके हैं हाईवे के ऊपर है, खाना वाना हमने खा लिया, भूख लगी हुई थी क्योंकि जो है काम से हम लोग डायरेक्ट निकले थे, अब बस ये कि जमील मीमन पहुंचते हैं फिर वहाँ देखते हैं। भाई जमील मेमन जो है हम आ चुके हैं और जो है ये साथ भाई कुछ फरमा रहे हैं, तो आपने इनको बता दिया जैसे बच्चों को घर से निकलते वक्त बताते हैं बेटा जाना है तो बदतमीजी नहीं करनी, ये सुन रहे हो आप? उंगली पकड़ के चलना है साथ और कोई शरारत नहीं करनी, सुन रहे हो आप? ये आपके लिए फरमा रहे हैं, घर के चौकीदार भी ऐसी बातें करेंगे, मतलब चौकीदारों को इज्जत देते साथ बिठाते हैं तो वो फिर ऐसे उंगली पकड़ के चलो पापा जी, साथ भाई समझा नहीं रहे, समझ नहीं रही है इनका क्या करना है, इनको इनका सौदा कर दे फिर, इनको घर में बंद करके आना चाहिए कमरे में, ये इस काबिल है ही नहीं, इस लायक है ही नहीं कि किसी अच्छी जगह लाए। हाँ आप क्या फरमाएंगे इस चीज़ के ऊपर? बात ये है कि देखो मैं अभी बताया शेरा लेके घूम रहे हैं बिकॉज पता हालात अच्छे नहीं है यहाँ के, ये इसको देखो यूनिफॉर्म देखो पहले कपड़ों में कौन सी अंदर इनका यहाँ जरूरत नहीं है, सेफ्टी सेफ्टी है, अब ये बातें कर रहे हैं हलिया हुलिया देखो हालत देखो उनकी, चप्पल में घूम रहे हैं आगे बात कर रहे हैं बच्चे, बड़े पैसा दिखाता है, हम आ गए हैं गुड क्वालिटी, अली भाई के एज यूजुअल रिश्तेदार यहाँ मिल गए, अली भाई खड़े हुए हैं फुल मस्त, और जो है ये साद भाई और अम्माद भाई जो है सौदा कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो कोई पसंद आई अम्माद भाई अभी तक आपको? माशाल्लाह मैं एक बात बताऊँ सारी सारा काम बहुत खूबसूरत है, अब ये बात ये कि अब आप जब डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा देखने के लिए, तो हम इस वक्त डॉल्फिन मॉल मवेशियों के डॉल्फिन मॉल मवेशी के डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन में समथिंग लाइक आई डोंट नो अगर हमारी रेंज में कुछ आएगा, इन्होंने तो माशाल्लाह सारी खड़ी कर दी माशाल्लाह, ये लोग कहीं वाकई तो नहीं समझ रहे हम लेने आए हैं, देखो यार समझने में हम कुछ ही किसी को हो सकते बाकी देख लेते हैं, मुझे यही लगे ये लोग से यही समझ रहे कि हम बाकी लेने आए हैं, लेकिन कुछ देखा था पैसे लेके भाई तो हमारा बैग का है चौकीदार, पैसा वाला बैग का है,
गाय खुलवाइए भाई, लेकिन रेट माशाल्लाह से रहते हैं कि मुश्किल लग रहा है। ये इसके मांग रहे हैं 4 लाख रुपए, दो साल तो दो दांत का ये पछड़ा है। पछड़ा सही है, खूबसूरत है, लेकिन पैसे बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है भाई। गाय चेक करें यार, छोटी सी गाय, बिल्कुल छोटी सी है। अबे तो मेरे हाइट जितनी है, छोटी छोटी गाय माशाल्लाह यार, बहुत प्यारी है। ये कोई नस्ल, ये भी नस्ल है कोई? ये तो बिल्कुल छोटी है यार। उस्मान भाई क्या मात को देंगे हम, ये ले सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये तो भी नहीं आएगी। बकरे चेक करो अहमद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, वाकई भाई ये चेक करें, सिंगे तो चेक करें भाई, ये सिंगे इसकी इतनी है, वो इतना खतरनाक लग रहा है, शक्ल भी खतरनाक लग रहा है। अरे भाई ये तो खड़ा हो गया अहमद भाई, शक्ल चेक करें हमारे, इसको हाथ लगाओ यार, इसका मुंह में देखा नहीं, शरीफ है। देखो इसके नाक में भी रस्सी नहीं है, लेकिन इसकी सिंग देखो यार माशाल्लाह, क्या कुदरत है। अरे भाई ये तो हल्का सा अगर ये घुमाए तो नाक हुआ फुल। जो बात है भाई, गायें निकाल ली हैं हम्माद भाई ने, पसंद कर ली हैं, अभी जो है सौदा चल रहा है। हम्माद भाई क्या लगता है आपको, ये कितने में दूरेगा? यार ये हम दूरी जो है ना सोच रहे हैं कि 5 में लेगा यार। मैं ऑन कैमरा आपको गाली नहीं दे सकता हम्माद भाई, ये आपको 5 लाख की जोड़ी लग रही है यार, मतलब यार जायज करो यार, जायज ही तो बताएं मैंने, और क्या जायज है ये, मुझे ऊपर का टैक्स काट के बोला मैंने कि 5 हम्माद भाई, हम्माद भाई दुम्बे का बैक साइड किससे मिल रहा है ज्यादा बताओ 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 भाई। सौदा जो है हमारा चल रहा है माशाल्लाह से, तीनों जानवर हमने निकलवा लिया और जो है बातचीत चल रही है अभी, लेकिन बात यह है कि लग नहीं रहा मुझे जो बात है सौदा होगा, क्योंकि जो है ये हमारी रही से बहुत बहुत भाई बात करें आप, ये 8-8 लाख रुपये हम भाई एक बछड़े के कह रहे हैं। हाँ तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब सही है, मतलब देखो मतलब खूबसूरत है हर चीज़ है, खूबसूरती के पैसे मुझे वजन के पैसे वजन क्या है तुम्हारे से, तो अली भाई क्या कहते हो, मतलब 5-6 मन होगा और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन बात बछड़े है खूबसूरत खूबसूरती भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सौदा जो है मुझे लग रहा है कि तकरीबन हो गया है। अहमद भाई भी बिल्कुल सीरियस बैठे हुए हैं और अभी हम बैठे हैं बिलाल कैटल, ये एक बछड़ा निकाला है माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक ये, अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक का सौदा हो गया है, क्योंकि भाई थोड़ा रेट मुनासिब बोल रहे हैं और बस समझो कि थोड़ा सा ही फ़र्क रह गया हमारे पैसों में और इनके पैसों में। बाकी ये इनके बछड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी बछड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फुल मेमनी बछियाँ माशाल्लाह से भाई, जानवर चेक करें जो बात है, तो बिल्कुल हाइट में भी मेरे जितना है और माशाल्लाह हाथी भाई। ये बछड़ा देखें, ये हमने सुना है कि ये जो है हर कोई नहीं कंट्रोल कर पाता, कौन सी नस्ल है ये घोड़ा, कौन सी नस्ल कराती है? धनी धनी खाता भी देखो क्या ये जो बात है भाई, ये तो लेकिन ये इसके बारे में सुना ये है कि इंसान को बस खींच के ऐसा लेके जाता है, लेकिन ये है क्रॉस क्रॉस है, लेकिन है प्यारा यार माशाल्लाह। बात ये है कि अभी हम जो है थक चुके हैं बहुत चल चल के, क्योंकि जो है रेट जो है मार्केट के बहुत चढ़े हुए, मिनिमम जो जानवर है ना वो कम से कम 5 लाख रुपए का, मतलब 5 लाख रुपए में भी वो जानवर है जो कि समझो कि पिछले साल आपको आराम से कोई 2.5-3 तक का मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा के तो रेट मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी तो, मतलब समझो कि 4 घंटे हो चुके हैं हमें मार्केट के, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है, और हम थक हार के बैठ गए, मतलब किसका बाड़ा है, लाइटें बंद पड़ी हुई हैं और हम कुर्सी पर बैठे हुए, बछड़ी का कलेक्शन चेक करा माशाल्लाह से, सारी प्यारी बछड़ियाँ खूबसूरत खूबसूरत, दुम्बे चेक करें भाई माशाल्लाह से, गुलाबी दुम्बे भाई, बकरा जो है ऑलमोस्ट हमने फाइनल कर लिया है माशाल्लाह से, जो है गुलाबी बकरा है, अभी ये है कि दरवेश पे हम बैठे हुए और कोशिश कर रहे हैं इसको अपनी रेंज में लाने की, लेकिन ये कि अभी हवाओं से बातें कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लगे हुए, तब देखो क्या होता है, बछड़ा भी पसंद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक बछड़ा और एक बकरे का इंशाल्लाह। क्या बोल रहा है अभी, आंडू बकरे की वीडियो बना रहा है चौकीदार, फिर बोला बीच में
समझाया सर, इसको पट्टा डाल के रखा करें आप, पता नहीं खोल लिया आपने। असल में रात बहुत हो गई ना, इसलिए इसका दिमाग चलना छोड़ रहा है, इसकी दवाई का टाइम हो गया। मुझे पहली नजर में प्यार होना था जैसे, मतलब वैसा पहली नजर में, हाँ लव एट फर्स्ट साइट हो गया सर इससे। है उस्मान, लव एट फर्स्ट साइट हो गया सर। हम व्लॉग नहीं बना रहे, देखें मुल्ला लोग भी लगे माशाल्लाह से। ये पता नहीं कौन सी कंपनी के हैं, कंपनी का तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि अहमद भाई से हम नहीं है शौकीन, सब लोग हैं शौकीन माशाल्लाह से। माशाल्लाह से एक बात है कि हम सिर्फ भाई चल चल के जो है हालत बुरी हो गई है, लेकिन अभी एक जगह आए हैं, ये देखें यार, ये गाय के सारे बच्चे हैं अगले साल के, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। आज मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई ये बेचने गए हैं, तो साफ इतना मना कर दिया, बोला नहीं भाई ये तो अपनी गाय के बच्चे हैं, और ये जो है साल दो साल यार, यहाँ और भी हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं यार, ये तो माशाल्लाह पूरी नर्सरी लग रही है बच्चों की। भाई ऊँट चेक कर रहे हैं यार, माशाल्लाह से शक्ल से भी ख़तरनाक लग रहे हैं, और इनकी स्किन देखें यार। अभी हम आए हुए हैं एक कैटल के ऊपर, कामरान समन हमारे एक दोस्त हैं अली भाई, उनका जानने वाले का है, तो उन्होंने बोला है, उन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी करी हैं कि जो है मैं दिला दूँगा। अभी हम यहाँ आए हुए तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ मिलेगा। हाँ मत भाई, आपको क्या लग रहा है कुछ? मुझे लग रहा है हम उसे बुला भी नहीं आ रहा। वाकई में यार थकन बहुत हो गई है, क्योंकि गर्मी बहुत है और हफ बहुत हो रहा है, तो जो जिस वजह से ना पसीना आ रहा है, और मतलब गला भी खुश्क हुआ हुआ है बिल्कुल, हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। तो अभी हमारे दोस्त यार लगे हुए हैं गायें वायें देखने के चक्कर में, लेकिन लग नहीं रहा कि मिलेगी यार, लेकिन गायें देखो कितनी प्यारी है। आपको कहा था साफनेत वाले लोगों को साथ लाए, जो 50 लाख वाले को 2 लाख में लेना चाहेंगे तो भाई इन्होंने तो हार मान ली है बिल्कुल। ये तो वही है ना, हाथीनों की तरह विंडो शॉपिंग करने चले गए, थोड़ा बहुत देख लिया, थक मर्दों में इनका काम नहीं है यार, मैंने पहले ही मना किया था। बस क्या बोल सकते हैं यार, अम्मा भाई हमारे जिगरी है, अम्मा भाई हमारे जल्दी हार मान जाते हैं भाई, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। होता है ना यार, खूबसूरत सा खिलौना है भाई। बकरे तो देखे माशाल्लाह, गाय जितने तो बकरे हैं ये इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, ये ए प्लस कैटेगरी है यार, क्या बात यार। अरे अम्मा भाई हमारे जिगरी है यार माशाल्लाह, अम्मा भाई मैंने बिल्कुल जूम कर दिया, आपकी शक्ल बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाय यार, अभी गुड मॉर्निंग हुई है, और रात को जो है थकन बहुत हो गई थी, जिस वजह से व्लॉग भी एंड नहीं कर पाया था, और यकीन करो कि बिल्कुल भी चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत थक गए थे। अभी नीचे उतरते हैं, कुछ भी नाश्ता करते हैं, देखते हैं आज क्या होते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई के व्लॉग चैनल को ज़रा यार सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।